सारे ऑनलाइन बिजनेस करने वालों का एक ही सवाल है कि व्हाट्सएप पे किस तरीके से मार्केटिंग करें, किस तरीके से बल्क में मैसेजेस सेंड करें बिना अपनी सिम को ब्लॉक किए हुए। तो आज मैं आप सभी को प्रैक्टिकली वो टेक्निक करके दिखाऊंगा जो मैं यूज करता हूँ बल्क में व्हाट्सएप मार्केटिंग करने के लिए, और ये कम्प्लीटली ऑफिशियल है। इसमें हमको पैसा भी लगता है लेकिन इसमें हमको बहुत अच्छे रिटर्न आते हैं, और गारंटीड आप जो भी मैसेजेस भेजते हो ये आपके एंड कस्टमर को पहुँचता है। तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। प्लेटफॉर्म का नाम है इंटरेक्ट, गूगल पे जाना है और इंटरेक्ट सर्च करना है। अगर आपको इंटरेक्ट पे अपना अकाउंट बनाना है तो आप हमको इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। इसके लिए आपको प्रॉपर पूरा व्हाट्सएप API रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फेसबुक से वेरिफिकेशन लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको इसका एक्सेस मिलेगा। तो मैं इंटरेक्ट पे जाता हूँ, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। अगर आपका नहीं है अकाउंट बना हुआ आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको हेल्प कर पाएगी आपका खुद का अकाउंट बनाने के लिए। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि कैसा ये दिखता है। सिंपली आप लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम कम्प्लीटली अपनी व्हाट्सएप मार्केटिंग को मैनेज करते हैं। तो जो कस्टमर की क्वायरीज भी आती है वो भी इसी में आती है, हम नॉर्मल व्हाट्सएप से क्वायरीज नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हो अभी भी 700 से ज़्यादा लोग पेंडिंग है, 700 से ज़्यादा क्वायरीज पेंडिंग है। तो हर दिन 2000 से ज़्यादा क्वायरीज हमको आती है इसमें, और यहाँ पे पूरी हमारी टीम चैट करती है। आप देख सकते हैं ये पूरी हमारी सेल्स टीम है, अलीशा, अंकित, अनमोल, अतुल, बलवंत, लक्ष्मी, मनोज, महक, ये पूरी हमारी टीम है जो इस सिस्टम के थ्रू अपने सारे जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको मैनेज करती है। इसी सिस्टम से हम बल्क में मैसेजिंग भी करते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर जाना है नोटिफिकेशंस में, और नोटिफिकेशंस पे आप यहाँ पे न्यू कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। न्यू कैंपेन क्रिएट करोगे आपको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करना है, अपने कैंपेन का आपको नाम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए, राइट। फिर आपको अपनी ऑडियंस चूज़ करना है, यहाँ पे आपको वन टाइम कैंपेन करना है तो आप वन टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को चूज़ भी कर सकते हैं कि आपको किस ऑडियंस के साथ जाना है। अब यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो कि कौन सी ऑडियंस चूज़ करना है। तो मैं अगर इसमें ऑल यूज़र्स करूँगा तो सारे यूज़र्स इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे टैग्स के हिसाब से भी कर सकता हूँ। जो हमारे वेबसाइट्स आए हैं, 488 लोग हैं जो हमारी वेबसाइट्स आए हैं। आप देख सकते हो 67,000 से ज़्यादा ऑडियंस है हमारे पास। अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो आप अपनी ऑडियंस इस पर अपलोड भी कर सकते हो, मतलब अगर आपके पास नंबर्स आपके पास एक्सेल शीट पर है तो एक्सेल शीट से आप नंबर इसमें इम्पोर्ट भी कर सकते हो अपना। तो इसको मैं डन कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है सेटअप करना, अगर आपको कोई ऑटोमेशन सेटअप करना है तो वो कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं आगे बढ़ जाइए। आप अपना मैसेज लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए आपको टेम्पलेट चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए, सबसे पहले आप अपना टेम्पलेट बनाओगे। भाई जो भी आप मैसेज भेजने वाले हो पहले व्हाट्सएप उसको ऑफिशियली वेरीफाई करता है कि वो बल्क मैसेजिंग करने के लिए सही है कि नहीं है। अगर वो मैसेज सही होगा तभी आप उसको सारे लोगों को मैसेज भेज पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपना टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ता है और व्हाट्सएप को बताना पड़ता है कि भाई ये मैसेज मैं सबको भेजने वाला हूँ। अब यहाँ पे टेम्पलेट नेम आपको लिख देना है, जैसे मैं डेमो आपको दिखा रहा हूँ तो डेमो नाम लिख देता हूँ। कैटेगरी पे आप मार्केटिंग लिख सकते हैं क्योंकि आप बल्क में मैसेज कर रहे हो तो आप मार्केटिंग ही कर रहे हो। एड लैंग्वेज पे आप यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे इंग्लिश कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना मैसेज पूरा सेटअप कर सकते हो कि जैसा आपको मैसेज भेजना है वो पूरा आप यहाँ पे लिख के उसका टेम्पलेट बना के अप्रूव करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट वाला मैसेज भी लिख सकते हो और इमेज वाला भी, ठीक है। अगर आपको कोई इमेज डालना है तो आप इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास देखिए ये हमारी रिसेंट वीडियो लॉन्च हुई है अभी, हेलो गाइज आई हैव लॉन्च्ड अ न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब, प्लीज़ Watch it till the end। ये मैंने अपना मैसेज लिख दिया। अब मैं नीचे फुटर में भी कुछ लिख सकता हूँ कि जैसे अपनी कंपनी का नाम सोशल सेलर एकेडमी। अच्छा बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम खाली YouTube पे वीडियो बनाते हैं, नहीं, हमारी बहुत अच्छी एक एजेंसी है जहाँ पे हम लोगों को WhatsApp मार्केटिंग पूरा सेटअप करने में भी मदद करते हैं। हर फ्राइडे मैं WhatsApp मार्केटिंग के ऊपर वेबिनार्स भी लेते रहता हूँ, और व्हाट्सएप मार्केटिंग के अलावा किसी को भी ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करना है तो उसमें भी हम लोगों की हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे आप बटन भी लगा सकते हो ना इस मैसेज में, कॉल का एक्शन का भी बटन लगा सकते हो कि कोई भी आपको फ़ोन करे, या वेबसाइट का भी लगा सकते हो। इसमें मैं वेबसाइट का बटन लगाता हूँ और यहाँ पे वॉच वीडियो का वो लगा देता हूँ, और URL जो है मैं अपनी वीडियो का जो यूट्यूब वीडियो है उसका डाल देता हूँ।
कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अपना URL पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये मेरा मैसेज कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए, अब मैं इस पर सिंपली सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे क्रिएटिंग का ऑप्शन आ गया है। सो अब ये बोल रहा है कि WhatsApp कैन टेक अप टू 24 आवर्स टू रिव्यू, तो उसको 24 घंटे के करीब लगेगा। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पेंडिंग में मेरा जो टेम्पलेट है वो दिख रहा है, बट अक्सर ये ना 4-5 मिनट के अंदर अप्रूव हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि 1-2 घंटा लगता है, बट यूजली 4-5 मिनट के अंदर ही अप्रूव हो जाता है। तो थोड़ी देर के अंदर ही अप्रूव हो जाएगा। जैसे ही हमारा टेम्पलेट अप्रूव होगा, हम वापस अपने कैंपेन पे जाएंगे और कैंपेन पे उसको डाल देंगे। अच्छा, अगर आपके पास जो नंबर है ये एक्सेल शीट पे है या लिखा हुआ है, तो आप उसको मैन्युअली भी डाल सकते हो। आपको यहाँ यूज़र्स पे जाना है, ऐड कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएगा। 1x1 का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आप जो कॉन्टैक्ट है उसका फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और नंबर ऐसे डाल सकते हो, या फिर आप बल्क अपलोड भी कर सकते हो। बल्क अपलोड आप एक्सेल शीट से कर सकते हो, उसका पूरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी कर सकते हैं। बट अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि टेम्पलेट अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है हमारा। ऑलराइट, सो हमारा टेम्पलेट अप्रूव हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से हमारा टेम्पलेट यहाँ पे अप्रूव हुआ है। अब हम वापस नोटिफिकेशन पे जाते हैं, न्यू कैंपेन पे जाते हैं, यहाँ पे वही डेमो सेट कर देते हैं। ऑडियंस, हमारी जो ऑडियंस है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, वेबसाइट वाली, जो जो वेबसाइट से आया था वो इज़। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 488 यूज़र्स हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्रिएट योर मैसेज पे जाते हैं, चूज़ टेम्पलेट पे जाता हूँ, और जो डेमो, जो फर्स्ट वाला जो हमने किया था अप्रूव, इसको हमने कर लिया, चूज़ टेम्पलेट। अब यहाँ पे मुझे अपना वॉलेट बैलेंस भी दिख रहा है। अच्छा, आपको मैसेज भेजने के लिए पहले बैलेंस अपना डालना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे डन कर दिए इसको, यहाँ पे भी हम डन कर दिए इसको। अब यहाँ ऑप्शन है कस्टम डेट, मतलब आप स्केड्यूल भी कर सकते हो उसको, इमिडिएटली भी भेज सकते हो। तो कैसे करना है ये आपके ऊपर है, मैं तो बोलता हूँ कि इमिडिएटली भेज दो। तो उसको डन करो, और जैसे ही आप सेट लाइव करोगे ये मैसेज सबको चले जाएगा। सो जैसे ही आप सेट लाइव करोगे ये मैसेज हर किसी को चले जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं इसको सेट लाइव कर देता हूँ, और सेंड, सेंड एनीवे। अब ये हमारा मैसेज लगभग 460 लोगों को ऑलमोस्ट चले गया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है। एंड मैं आपको पहले के मैसेजेस दिखाता हूँ, जैसे जिसमें ये दिवाली कंसल्टेशन वाला हमारा एक मैसेज था, इसमें हमने इतने लोगों को अटेम्प्ट किया था, लगभग 6700 लोगों को अटेम्प्ट किया था, इतने लोगों को सेंट हुआ था, इतने लोगों को डिलीवर्ड हुआ था मैसेज। अब ऐसा होता है ना, जितने लोगों को डिलीवर हुआ है ना, आपको उतने ही लोगों का पैसा लगता है। फिर इतने लोगों ने रीड किया था, सोचो 6100 लोगों को लगभग मैसेज डिलीवर हुआ है, उसमें से 4375 लोग रीड किए मैसेज को, कितनी बड़ी चीज़ है। ईमेल मार्केटिंग में ये 3-4% के करीब होती है, और यहाँ पे आप मान के चल लो कि आपका 60% से भी ज़्यादा लोगों ने मैसेज को देखा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने लोगों ने रिप्लाई भी किया है, मतलब ऑलमोस्ट 10% लोगों ने इसमें रिप्लाई भी किया है, और इतने फेल हुए हैं मैसेज, उसकी डिटेल भी मिल जाती है कि फ़ेल क्यों हुए हैं, वो रीज़न भी आपको पता चल जाएगा कि क्यों फेल हुए हैं, अनडिलीवर क्यों हुआ है, टेक्निकल सपोर्ट के कारण हुआ है, किसी ने आपको ब्लॉक किया है उसके कारण हुआ है, या फिर किसी ने डिकोय अपने फ़ोन को DND में रखा हुआ है, व्हाट्सएप नहीं रिसीव कर रहा है, किसी का व्हाट्सएप बैन हो गया है तो उसके कारण हुआ है, जो भी रीज़न है वो आपको समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने किया हुआ था, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। सो इसी तरीके से हम व्हाट्सएप पे बल्क में मार्केटिंग करते हैं, और आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में ये मैसेज भेजना चालू हो जाएगा, और ये एकदम एक्यूरेट है क्योंकि ये ऑफिशियल है। हर एक मैसेज का हमको लगभग 81 पैसे के करीब का कॉस्ट पड़ता है। सो पहले ही कम था, अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 81 पैसे का पर मैसेज में कॉस्ट पड़ता है। लेकिन सबसे बढ़िया ये चीज़ है कि ये मैसेज ऑफिशियली जाते हैं, और अगर आपका क्लाइंट हाई एंड कस्टमर है, आप अगर रेंडम लोगों को मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने प्रीमियम कस्टमर को मार्केटिंग कर रहे हो, तो ये वैल्यू फॉर मनी है, और ये अकेला एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप WhatsApp पे बल्क मार्केटिंग कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों दुनिया में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बच पा रहा है आज की डेट में, जिसमें आप बहुत बल्क में लेजिटिमेट तरीके से, लीगल तरीके से आप WhatsApp पे मार्केटिंग कर सको। WhatsApp यहीं से ही पैसा कमाता है, और आपका अगर प्राइम कस्टमर है, आप उसको नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो, बहुत पावरफुल है WhatsApp, इस सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हो।
ऐसा सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए, सेटअप करने के लिए आप हमारी टीम को कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी एजेंसी है, हम लोगों को मदद भी करते हैं इसमें। सो अब मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि आगे भाई हुआ क्या। सो आप देख सकते हैं मार्केटिंग हमारा कैंपेन लाइव हो चुका है। थोड़ा समय लगेगा इसमें रिफ्लेक्ट करने के लिए, इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। ऑलमोस्ट हमने देखा है कि आधी घंटे के अंदर अंदर पूरे मैसेजेस जो है वो सेंड हो जाते हैं, और आप इसको रिफ्रेश करके देख सकते हो, अभी भी लाइव है आप देख सकते हो। अगर आपको पॉज करना है तो आप पॉज भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कंटेंट आपको चेंज करना पड़ता है या धोखे से कुछ गलत कंटेंट ब्रॉडकास्ट हो जाता है, तो उस बीच में आप इसको पॉज भी कर सकते हो। जितना भी हम इस WhatsApp मार्केटिंग में खर्चा करते हैं, इसका 200x का हमको रिटर्न मिलता है। यानी कि अगर मैं 1000 रुपये WhatsApp मार्केटिंग में खर्चा कर रहा हूँ तो मुझे 3000 से ज़्यादा की सेल्स आती है। चाहे Facebook एड्स देख लो, Google एड्स देख लो, कोई भी प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग नहीं है, इतने स्ट्रांग रिजल्ट्स कहीं पे भी नहीं आते। रीमार्केटिंग करने के लिए, रीटारगेटिंग करने के लिए, कस्टमर को एंगेज करने के लिए और सेल्स लाने के लिए इससे अच्छा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया में कहीं पे भी नहीं है। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत बढ़िया चीज सीखने को मिलेगी। अगर आपको WhatsApp मार्केटिंग या WhatsApp ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ भी सीखना है, हर फ्राइडे हमारा वेबिनार होता है शाम के 7 बजे से 11 बजे के बीच में। आप कभी भी अटेंड कर सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और दोस्तों हमारे खुद का एक WhatsApp मार्केटिंग का प्रॉपर पूरा कोर्स बना हुआ है, जिसमें A to Z WhatsApp मार्केटिंग के बारे में हर चीज बताया हुआ है कि कैसे सेटअप करते हैं, कैसे ऑटोमेशन करते हैं। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको खुद का सेटअप कराना है, कंसल्टेंसी चाहिए, तो भी आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आज जो भी मैंने आपको बताया ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो अपना बिजनेस WhatsApp पे करते हैं। और हाँ, इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए सोशल सेलर एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।